नौफल तो आ गया तुमसे माफी मांगने, लेकिन तुम्हारा बाप, मैं सारी जिंदगी उसका इंतजार करती रही। काश वो आ जाता और मैं एक लम्हा इस घर में नहीं रुकती। बेटा ये जाएगी तुम्हारे साथ, जाओ बेटा। मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी 100 शर्तें मंजूर। तुम कभी मुझसे इसरार नहीं करोगे कि मैं पहले वाली गुल बन के रहूं और उसी तरीके से हमारे रिश्ते बने। मैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से तुम्हारे साथ जा रही हूँ, और मगर मैं तुम्हें माफ कर सकूंगी या नहीं ये नहीं है, इसलिए इसरार भी मत कर कि हमारे दरमियान पहले जैसा ताल्लुक हो और ना कोई उम्मीद रखना। ठीक है, मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारा दिल फिर से जीत लूं। तुमको रुशना को बुलाने को कहा था ना, कहाँ है वो? वो शहूद, वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? फायजा, एक घंटे से बुला रहा हूँ और तुम मुझे अब बता रही हो वो घर पे नहीं है? क्या करती क्या हो तुम? फिर तुम उसको वही आजादी दे रही हो ताकि वो फिर वही हरकत करे, उसके बाद हमारे सर पे खाक डलवाए और दूसरों के सामने हम जलील होते थे। वो शला भाभी के पास है, मैंने की है कॉल, आ रही है बस। मामू जान, नौफल मुझे लेने आया है और मैं उसके साथ जाऊं। ठीक है बेटा, जाओ, अपना बहुत ख्याल रखना। नौफल बेटा, कुल का बहुत ख्याल रखना, इसको तुम्हारी अब बहुत ज्यादा जरूरत है। जी अंकल, आप बेफिक्र हैं। मैं नानी से मिला। रोशना जैसे ही आए मुझे बताओ, समझ आई? जी। ये मिनटों में सारे झगड़े खत्म कैसे हो गए? देखो गुल बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेगुनाह साबित कर दिया ना आखिर। तुम सुरखुरु हो गई सबके सामने और नौफल तुम्हें खुद लेने आया है। बस हम सब दुआ करेंगे कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी सख्त आजमाइश ना आए बेटा, और हर बुरी नजर से तुम बची रहो। सदा सुहागन रहो, अपने घर में आबाद और शाद रहो। अरे बेटा, नौफल से कह दिया मैंने, अब वो तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करेगा, और तुम्हें भी ख्याल रखना है, शौहर है तुम्हारा, किसी किस्म की शिकायत का तुमने मौका नहीं देना। पुरानी बातें सब भूल जानी है, ठीक है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे अपने घर में। डॉक्टर साहब, अंकल कैसे हैं? माइनर अटैक था, एक वॉल्व बंद था, हमने एंजियोप्लास्टी कर दी। शुक्र अल्लाह का। अब कैसे हैं वो, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? खतरे से बाहर हैं और अभी बेहोश हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। ओके डॉक्टर। अभी सुबह तक हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कल इंशाल्लाह ताला हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे शाम तक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी आप लोग घर जाइए और कल सुबह आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर। ओके।